सब्सक्राइब करें आशु भारद्वाज वीजा एडवाइजर चैनल को और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मैं आशु भारद्वाज, आपका अपना वीज़ा एडवाइज़र। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी तरफ से नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है, आपके हित के लिए आती है। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरा बेसब्री से, मेरी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार किया है। कमेंट आते थे मुझे व्हाट्सअप पे, यूट्यूब पे काफ़ी कमेंट आए कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। तो मैं उन सभी लोगों से फिर से माफ़ी मांग रहा हूं, क्योंकि मैंने आप सभी को अपनी इंट्रो दी हुई है कि मैं एजेंट या किसी तरह का कंसल्टेंसी का काम नहीं करता हूं। मैं अपनी जॉब के माध्यम से अपना घर चलाता हूं, ना मैं यूट्यूब पे कोई अर्न कर रहा हूं जो कि मुझे यूट्यूब से बेनिफिट हो कि मैं यूट्यूब में वीडियो डालूं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मैं जॉब करता हूं, मैं अपनी जॉब में व्यस्त हूँ। फाइनेंशियली क्लोज होने के कारण मेरा अकाउंट फाइनेंस मैनेजर हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया हेड हूँ अपनी कंपनी में, सीनियर मैनेजर हूँ। तो उसकी क्लोजिंग के चलते या जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसके चलते ऑडिट के काम में, रिटर्नों के काम में मैं व्यस्त हूँ। लेकिन मैं फिर भी आज वक्त निकाल के आपके सामने आया हूँ और आज की जो वीडियो है उसका एक पार्ट चेक रिपब्लिक का, शेंजन वीज़े का ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, सेकेंड पार्ट ये है। और सेकेंड पार्ट मैंने जो रीड किया वो तो किया, जो नॉलेज लिया वो तो किया, लेकिन आज मैं आपके साथ अपना सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरी खुद की 4 तारीख की अपॉइंटमेंट है, दुआ कीजिए वीज़ा मिले। मेरी 4 तारीख की अपॉइंटमेंट है, यानी जून की 4 तारीख की। मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ, मैंने अपनी फ़ाइल खुद तैयार की है, सारी की सारी फ़ाइल खुद तैयार की है और किसी की कोई हेल्प नहीं ली है। तो मैं जो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे खुद सेल्फ तैयार किए गए हैं। 4 तारीख की अपॉइंटमेंट है, वीज़ा मिलना नहीं मिलना ये मेरी किस्मत के ऊपर है। जब मेरा अगर वीज़ा आज गया तो भी मैं आगे वीडियो अपडेट करूंगा, अगर मेरा वीज़ा नहीं आया तो भी वीडियो अपडेट करूंगा कि किस कारण मुझे रिफ्यूज़ किया गया है। अगर मुझे वीज़ा मिलता है तो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा कि क्यों मुझे वीज़ा मिला है, वो हिडन पॉइंट मैं नहीं अभी बताऊंगा, क्योंकि वीज़ा मिल जाए फिर शायद उसमें, अगर वीज़ा मिल जाता है तो उसमें पता चलेगा कि क्या प्लस पॉइंट रहा है, अगर नहीं मिलता है तो उसमें ये पता चलेगा कि माइनस पॉइंट क्या रहा है, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। लेकिन अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन शेयर करने वाला हूँ और एक कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आपके साथ सेम शेयर करूँगा, सेम रहेगी। तो आज की जो वीडियो मेरी वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को लेके है। चेक रिपब्लिक का मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, 4 तारीख की अपॉइंटमेंट है और चेक रिपब्लिक का ऑलरेडी मेरा अचानक प्लान बना वीज़ा अप्लाई करने का, अचानक सडनली मैंने इस प्लान को मतलब बनाया और 10-12 दिन में मैंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं। एक वीडियो जो मेरी चेक रिपब्लिक आई थी वो नियर वो 1.5-2 महीने पहले आई थी, लेकिन मेरा सडनली प्रोग्राम बना तो मैंने उस वीडियो के उस कंट्री के ऊपर खुद विज़िट करने का सोचा है कि एक बार मैं विज़िट करूँगा, क्या बनता है कैसे बनता है। मेरी किस्मत ऊपर वाले का साथ है, दाता जी जो करेंगे वो मंजूर है, लेकिन आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन जरूर शेयर करूँगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैंने तो खुद बनाई है, लेकिन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट भी वही है। और ये चैनल सिर्फ आपको स्कैम से बचाता है, इसकी चैनल की किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है, सबको रिप्लाई दिया जाता है, चाहे वो व्हाट्सअप पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, यूट्यूब के हर कमेंट को आप रीड कर सकते हो, हर कमेंट में रिप्लाई जाता है भारद्वाज चैनल का। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं आपके साथ सिर्फ डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, तो चलो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। लिस्ट मैं जो बना के बैठा हूँ वो मैंने खुद अपनी तो तैयार किए ही हुए हैं, लेकिन एक एम्बेसी की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी वेबसाइट के माध्यम से जो रिक्वायरमेंट मिली है उसके माध्यम से मैंने अपने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। कैसे किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंटों की लिस्ट इस प्रकार से है, जो शेंजन वीज़े के लिए चेक रिपब्लिक की जो डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट है, चेक लिस्ट जिसको कहते हैं, वो इस प्रकार से हैं। जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाए हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और यही डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो मैंने बनाए या खुद के अपने सेल्फ डॉक्यूमेंट, वो वेबसाइट के माध्यम से डॉक्यूमेंट लिस्ट निकाल के मैंने उसको बनाया है। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, कम्प्लीटली उसको फाइल करना होगा और उसको साइन करना होगा, जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसके सिग्नेचर करने होंगे। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपको इसकी फोटोकॉपी ज़रूर करवा के रखनी है और उसके बाद आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिसमें कम से कम वेबसाइट के माध्यम से जो बताया गया वो 3 मंथ की वैलिडिटी मस्ट है, ज़रूरी है। और
टू पेज जो है वो ब्लैंक होने चाहिए पासपोर्ट के बीच में, दो पेज कम से कम खाली होने चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए इसके लिए आपको, जिसका 80% फेस है। बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। आप किसी भी फोटोग्राफर के पास जाइए, उसको बोलिए कि शेंजन वीज़े के लिए मुझे फ़ोटो खिंचवानी है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग फ़ोटो खींच देंगे, क्योंकि उनके पास केस जाते रहते हैं, उनको पता होता है। तो 80% फेस में वाइट बैकग्राउंड में लेनी है। फाइल में फ़ोटो जो लगती है वो सबकी एक जैसी होती है, आई थिंक 35-45 की फ़ोटो होती है। दूसरी बात है कवरिंग लेटर, ये मस्ट है, ध्यान रखना, इसके बिना आप फाइल ना लगाएं। और पर डे आइटनरी जरूर लगाएं। मैंने आइटनरी बनाई हुई है अपनी, मैं अगली वीडियो में जरूर शेयर करूंगा जो डॉक्यूमेंट मैंने लगाए थे। अगर पॉजिटिव हुआ तो भी रिस्पॉन्स, अगर नेगेटिव हुआ रिस्पॉन्स तो भी। आपके साथ अपना सेल्फ एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा कि मेरे साथ क्या होता है। मैंने अपनी आइटनरी बनाई हुई है, 8-9 दिनों की बनाई हुई है, और पर्पस ऑफ विजिट उसमें जो है मेंशन किए हुआ है। कवरिंग लेटर मैंने अपना तैयार कर लिया हुआ है, तो कवरिंग लेटर जो है सिग्नेचर करके जमा करवाना है, और ये ज़रूरी है, जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे अपने आप को कि आप क्यों जाना चाहते हैं और पर डे आपका क्या शेड्यूल रहेगा। तीसरा प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट रिजर्वेशन ऑफ रिटर्न एंड राउंड टिकट जो है। देखिए यहाँ पे फ्लाइट रिजर्वेशन जो करवानी है, आप अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सेकंड टाइम जा रहे हैं, आपको परचेज नहीं करनी है फ्लाइट, ध्यान रखना, परचेज नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो वीज़ा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे फ्लाइट की टिकट जो है वो परचेज नहीं करेंगे, रिजर्व करेंगे, होल्ड करेंगे टिकट या डमी टिकट लगाएंगे। आप जो है वो मतलब जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो उसका लगाना है, और वहाँ पे प्रूफ ऑफ इंट्रा शेंजन फ्लाइट रिजर्वेशन। अगर वहाँ से आप दूसरी कंट्री में, सपोज करो चेक रिपब्लिक से आप हंगरी जा रहे हो या ऑस्ट्रिया जा रहे हो, वहाँ आप किस माध्यम से जा रहे हैं, ट्रेन में जाएंगे या बाई फ्लाइट जाएंगे, तो उसकी जरूर मतलब ट्रेन की या कार की या फ्लाइट की जरूर टिकट करें, या वो भी मतलब होल्ड करें। ऐसा नहीं है कि आप परचेज करो, होल्ड करो, रेंटल कार लेनी है तो भी उनसे बात करके होल्ड करो, मतलब वो चीज़ का जरूर आप बीच में दीजिए। ये जो रिक्वायरमेंट है ये वेबसाइट के माध्यम से है, मैंने इसको पूरा किया अपने लिए, लेकिन ये जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस भी है और ये वेबसाइट के माध्यम से है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आराम से, इजीली मिल जाती हैं। प्रूफ ऑफ लोडिंग मतलब आप जो जहाँ जा रहे हो वहाँ वहाँ के आपको होटल रिजर्वेशन लगानी है, या तो मतलब आपको कैंप्स रेजिडेंस रिजर्वेशन करवाना है, या आपको मतलब जैसे कोई फैमिली मेम्बर है वहाँ पे तो प्रूफ का स्पॉन्सर आ रही है तो अकोमोडेशन का प्रूफ देना पड़ेगा जो आपको बुला रहा है, या इंडिविजुअली शेंजन स्टेट मीनिंग रिक्वायर्ड एप्लीकेंट टू प्रेजेंट प्रूफ ऑफ द स्पॉन्सरशिप, मतलब आपको स्पॉन्सरशिप के साथ प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप होटल बुकिंग पे जा रहे हैं तो आपको होटल बुकिंग देना पड़ेगा, टूरिज्म पे जा रहे हैं विदाउट मतलब होटल बुक करवा के जा रहे हैं, या कोई आप पीजी करिए बुक, या हॉस्टल बुक कीजिए, या कोई कैंप बुक कीजिए, मतलब आपको बुकिंग साथ में देनी पड़ेगी, मस्ट है, जरूरी है, इसके बिना भी आप फाइल मत लगाइए। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियली मीन्स ओरिजिनल प्राइवेट बैंक स्टेटमेंट शोइंग जो है लास्ट 3 मंथ की एम्बेसी मांगती है, मैं 6 मंथ की लगा रहा हूँ लेकिन 3 मंथ की एम्बेसी ने मांगी हुई है, जो कि बैंक मैनेजर से स्टंप होनी चाहिए, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट इसके साथ जू लगाना है, कोई एफडीज आरडीज जो भी है वो आप लगाइए, और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट फॉर द लास्ट 2 असेसमेंट ईयर। यहाँ पे एम्बेसी ने 2 ईयर की मांगी है, लेकिन हो सके तो 3 की लगाइए, अगर 2 है तो भी चल जाएगी, लेकिन हो सके तो 3 की लगाइए विद कंपटीशन चार्ट। फिर आपका आता है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, यहीं पे लोग गलती करते हैं सबसे ज़्यादा, मुझसे अभी 2-3 दिन पहले या कल रात को ही बात हुई थी, चेक रिपब्लिक का कहते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैंने पूछा तो पता चला कि उन्होंने इंश्योरेंस लगाई ही नहीं थी। देखिए किसी भी यूरोप में किसी भी कंट्री में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस जो कम से कम 30,000 यूरो की होती है वो लगवाना जरूरी है, उसके बिना आप बिल्कुल भी फाइल ना लगाइए, 100% जो है वो रिफ्यूज़ होती है फाइल। आपका कोई अदर डॉक्यूमेंट रहता है नो इशू, लेकिन इंश्योरेंस आपकी नहीं रहनी चाहिए, इंश्योरेंस आपको लगाना जरूरी है। तो हो सके
अब तो काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी ऐसी आ चुकी हैं, आप चेक कीजिए, जो कि अगर आपका पासपोर्ट लॉस होता है या आपका लगेज या बैग वगैरह लॉस हो तो उसका भी रिकवरी देती है। तो ऐसी मतलब इंश्योरेंस आप करवाइए जो कि ऑल वर्ल्ड वैलिड हो। पहले यूरो में आती थी लेकिन अब जो है डॉलर में शो करती है इंश्योरेंस, और कम से कम $50,000 US डॉलर की आपको इंश्योरेंस लेनी है, जिससे नियर अबाउट आज की डेट के अकॉर्डिंग 43 या 44,000 यूरो की बनती है, लेकिन जो एम्बेसी मांगती है वो कम से कम 30,000 यूरो की होनी चाहिए। उससे मस्त आप जितना मर्जी कीजिए, मोर देन जितना मर्जी कीजिए। आगे आपका आता है इन एडिशनल इफ दैट एप्लीकेंट इज एम्प्लॉयड, अगर जॉब करता है तो, अगर बिजनेसमैन है तो पे स्लिप लगेगा लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, जैसे आपको ऑफर लेटर मिला है, अपॉइंटमेंट लेटर मिला है वो साथ में लगेगा, और जो मतलब NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी का आपको NOC लगाना होगा लेटर एड पे कि मैं इतने दिनों के लिए घूमने जा रहा हूँ और कंपनी जो है मेरी छुट्टी को अप्रूव कर रही है, ये चीज़ आपको देना जरूरी है। उसके बाद जनरली अंडरटेकिंग फॉर दी पर्पस ऑफ टूरिज्म, इसमें आपके मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएंगे, कोई प्रूफ एविडेंस आ जाएंगे, मैरिज स्टेटस क्या है, पासपोर्ट कॉपी, अगर आप जा रहे हो तो, जैसे कि आपका जो प्लान बना है उसके ऊपर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो या सिंगल जा रहे हो तो वो भी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप इसको किसी ट्रैवल एजेंसी से बुक करवा रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रिप ले रहे हो तो डॉक्यूमेंट उनके लगाने पड़ेंगे, लेकिन आप अगर आप खुद अपना सेल्फ फाइल लगा रहे हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका कवरिंग लेटर में मेंशन कर देना है अपना पर्पस ऑफ विजिट, जो भी आपका प्लान है, एटनरी है, सब कुछ आपने वहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अगर आप मैरिड हो और आपकी वाइफ साथ में जा रही है वेल एंड गुड, अगर आपकी वाइफ साथ में नहीं जा रही है तो उनसे NOC जरूर लें उनकी तरफ से कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ जो है वो यूरोप घूमने जा रही है और उसमें मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इसमें। फाइनेंशली मैं आप सिर्फ CA रिपोर्ट ज़रूर बनाएं, CA रिपोर्ट बनाने के बाद आपको वैल्यूएशन जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूएशन लगाइए, फ़र्द वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूरोप जो है आपकी फ़र्दें या आपकी रजिस्ट्री या नहीं मांगता है, वो आपके गिने चुने पेपर लेगा, सिर्फ गिने चुने पेपर, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगेगा। आप सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट लगाइए, CA से रिपोर्ट ज़रूर बनवा लीजिए, और उसके बाद अगर किसी भी तरह की आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कोई टिकट के अकॉर्डिंग, कोई होटल के अकॉर्डिंग या किसी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपको सारा प्रोसीजर बताया जाएगा। बिकॉज़ इसका सेल्फ एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ, तो आप दुआ कीजिए कि अगर हमारा काम हो गया तो भी, नहीं हुआ तो ही, रब के हाथ, खुदा के हाथ और दाता जी जानते हैं क्या होगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी फाइल खुद तैयार कीजिए, अगर आपको कहीं कवरिंग लेटर में या पर डे एटनरी में प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे आप हेल्प ले सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मुझे वीज़ा मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, ये किस्मत आपकी है, मेरी किस्मत में जो होगा वो मुझे मिलेगा, आपकी किस्मत आपके साथ है, इसलिए आप ट्राई कीजिए, आप ऑप्शन लीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत परेशानी आती है तो आशु भारद्वाज वीज़ा एडवाइजर चैनल ऑलवेज आपके साथ है। ये चैनल किसी भी तरह की कोई एजेंटगिरी कंसल्टेंसी खोल के नहीं बैठा है, ये जस्ट आपके लिए नॉलेज लेके आता है, इसके अलावा इसका कोई मोटिव नहीं है। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो नए संदेश के साथ फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।